हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। अपना चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, उसमें इलास्ट्रेशन वन करेगी जो आपको पेज नंबर 24 पे दिया है। जो काफ़ी सारे जो नए बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, ऑलरेडी मैंने आपको प्रीवियस पार्ट में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट और इसके साथ साथ एडजस्टमेंट के भी वीडियो मैंने अपलोड कर दी। आप चाहो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। और सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम फर्स्ट से लेके टेंथ तक के सारे मैंने क्या कर दिए, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का ऑलरेडी वीडियो आपके लिए बना के रखे। और फर्स्ट से लेके टेंथ तक नहीं, फर्स्ट से लेके अपना नाइन तक चैप्टर है, मतलब फर्स्ट टू नाइन चैप्टर पूरा पोर्शन का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मैंने आपके लिए बना के रखा है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके क्लिक करके सारा पोर्शन कवर कर सकते हो। मतलब सारे मैंने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करा दी। अभी जो नेक्स्ट पार्ट जो वीडियो बनाऊंगा वहाँ पर इलास्ट्रेशन के मैं आपके सारे लिए वीडियो आपके लिए अपलोड करके लेके आऊँगा। तो डोंट वरी, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना फ्रेंड। तो आज इलास्ट्रेशन वन करेगी जो आपको पेज नंबर 24 पे दिया गया। अगर कोई भी अगर पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का सम आए तो वेरी फर्स्ट पेज पे ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड पेज पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, थर्ड पेज पे पार्टनर्स कैपिटल और फोर्थ पेज पे क्या आ जाएगा, बैलेंस शीट आ जाएगा। और एक बार मेरी सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, अगर नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ वो जाके देखना तो आपको सारे अच्छे से समझ में आ जाएंगे। चलो फ्रेंड, मैं बुक में जाके सम सॉल्व करता हूँ तो डेफिनेटली आपको और अच्छे से क्लियरली पता चल जाएगा। इलास्ट्रेशन वन क्या बोल रहे, दया एंड कशमा आर अ पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो, क्या दिया है 1:1। मतलब अपना रेशियो क्या रहेगा, 1:2, 1:2 रहेगा। 2 कहाँ से आया, 1+1 करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर, क्या प्रिपेयर करना है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंड डेट क्या दिया है 31 मार्च 2019, एंड क्या प्रिपेयर करना है, बैलेंस शीट एज ऑन द डेट। मतलब बैलेंस शीट एज ऑन क्या रहेगा, 31 मार्च 2019 रहेगा। जैसा आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर फॉर्मेट बना दिया है। वेरी फर्स्ट पेज पे आएगा इन द बुक्स ऑफ क्या है, दया एंड कशमा फर्स्ट लाइन में। सेकेंड लाइन में क्या रहेगा, डेबिट क्रेडिट ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, पर्टिकुलर अमाउंट रहेगा। सेम एज उसके सामने वाले पेज पे प्रॉफिट, ये दो लाइन में आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नीचे वाली लाइन में क्या रहेगा, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट रहेगा। सेम एज जो अपना थर्ड पेज रहेगा, अभी तुम बोलोगे सर वहाँ पर तो पार्टनर्स कैपिटल बोला नहीं गया था, तो भी क्या करना पड़ेगा, हमें कंपलसरीली बनाना पड़ेगा। अगर ये बनाओगे तो फ्यूचर में आपको जो आने वाले सम रहेगा वहाँ पर काफ़ी हेल्पफुल होगा। यहाँ पर डेबिट, यहाँ पर क्रेडिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ जाएगा, यहाँ पर रहेगा पर्टिकुलर दया, नीचे क्या रहेगा अमाउंट, यहाँ पर क्या रहेगा कशमा, नीचे क्या रहेगा अमाउंट, पर्टिकुलर यहाँ पर क्या रहेगा दया अमाउंट कशमा, मतलब दया का अमाउंट दया में लिखेंगे, कशमा का अमाउंट कशमा में लिखेंगे। और यहाँ पर क्या रहेगा, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 रहेगा। बैलेंस शीट आपको पता है यहाँ पर क्या आएगा, लाइबिलिटी अमाउंट असेट्स, और यहाँ पर डेबिट क्रेडिट आता नहीं है। क्यों, क्योंकि असेट्स ऑलवेज डेबिट साइड होता है, लाइबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट साइड होता है। अपन यहाँ पर हम उल्टा लिखते हैं, इंडिया में उल्टा लिखते हैं, इसके लिए यहाँ पर क्या आएगा, लाइबिलिटी आ जाएगा, अमाउंट अमाउंट असेट्स अमाउंट, इसके लिए यहाँ पर ऊपर हम डेबिट क्रेडिट लिखते नहीं, और एज ऑन 31 मार्च 2019 रहेगा। तो जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपने भी फॉर्मेट बना लिया रहेगा। वेरी फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, इसमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा चीज़ कहाँ जाएगा, वेरी फर्स्ट आइडेंटिफाई करना है। सेकंड चीज़ रहेगा जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, एडजस्टमेंट का इफेक्ट, हमें यहाँ पर सब कुछ आइडेंटिफाई करना है, फिर हम ट्रांसफ़र करेंगे तो आपका सम काफ़ी इजीली और फटाफट हो जाएगा। क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे क्या होते हैं, स्टॉक, फिर स्टॉक लिखने बैठते हैं, ऐसा करोगे तो एग्ज़ाम में काफ़ी सारा कंफ्यूजन होगा। उससे अच्छा मैं जैसा कराता हूँ स्टेप टू स्टेप पूरा वीडियो अगर देख लो आप, समझ लो, फिर आप ऑटोमेटिकली अपने हाथ से करोगे तो डेफिनेटली आपको सम समझ में आ जाएगा। यहाँ पर डेबिट बैलेंस ये है, तो डेबिट बैलेंस का अमाउंट कहाँ आ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड, और कहाँ आ जाएगा, बैलेंस शीट असेट साइड पे आएगा। क्रेडिट का बैलेंस कहाँ रहेगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड, और कहाँ आ जाएगा, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड पे आ जाएगा। पहले ये स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2018, मतलब ये कौन सा स्टॉक दिया गया है मुझे, ओपनिंग स्टॉक दिया गया है, और ओपनिंग स्टॉक आप सबको पता है कहाँ आता है, ट्रेडिंग अकाउंट, और कहाँ जाएगा, डेबिट बैलेंस, तो कहाँ जाएगा, डेबिट साइड आएगा। टीडी का मतलब होता है ट्रेडिंग अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल कहाँ आ जाएगा, असेट्स में, तो क्या लिखूँ, ए, असेट्स का क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। देखो पहला वर्ड क्या है, वेजिस एंड सैलरी, अगर स्टार्टिंग में पहला सैलरी रहता तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये कहाँ दिया है, वेजिस, तो कहाँ जाएगा मेरे लिए, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर जाएगा। सन्ट्री डेटर भी कहाँ जाता है, असेट्स में, तो ए लिखूँ। बी फॉर बैड डेब्ट, मैंने बताया था ए फॉर एडवर्टाइजमेंट, बी फॉर बैड डेब्ट, सी फॉर कमीशन, डी फॉर डिस्काउंट।
तो बैड डेब्ट्स कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस, तो पी एंड एल लिखो, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस की कहाँ जाएगा? डेबिट साइड पे जाएगा। परचेज भी कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में, तो टी डी लिखो। मोटर कार आपके घर पे मोटर कार है, आपके लिए क्या हुआ? असेट्स हुआ। मशीनरी भी आपके लिए क्या हुआ? असेट्स हुआ। ऑडिट फीस मैंने बताया था, ए बी सी डी, ए फॉर एडवर्टाइजमेंट, बी फॉर बैड डेब्ट, सी फॉर कमीशन, डी फॉर डिस्काउंट, और वापिस से ए आएगा तो क्या आएगा? ऑडिट फीस। कहाँ पर आ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएगा। सेम एज अ सेल्स रिटर्न जो होगा वो क्या होगा? सेल्स में से क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँ लेस फ्रॉम, क्या लिखूँ मैं? सेल्स लिखूँ, सेल्स में से क्या हो जाएगा? ये लेस हो जाएगा, मतलब सेल्स में से मुझे क्या करना है? लेस करना है। डिस्काउंट कहाँ आ जाएगा? देखो ए बी सी डी, डी फॉर क्या रहता है? डिस्काउंट। कहाँ आ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे आ जाएगा। बिल्डिंग क्या जाएगा? असेट्स में, तो ए लिखूँ। कैश एट बैंक कहाँ जाएगा? असेट्स में, आपके बैंक में पैसा पड़ा है आपके लिए असेट्स। देखो ये 10% इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगा? असेट साइड पे। और देखो इसके आगे 10% बोला है, तो ये हिडन एडजस्टमेंट है, इसको क्या कर दो? स्टार कर दो। एक स्टार मतलब कितना लाइन रहेगा? दो स्टार, तीन लाइन छोड़ना है, तीन स्टार रहेगा मतलब पाँच। और देखो यहाँ पर सिंपल सा बता रहा हूँ, अगर एक स्टार आपने किया तो आपको कितना लाइन छोड़ना है? इनर में अमाउंट आके तीन लाइन। अभी तुम बोलोगे इनर क्या होता है? ये जो इनर है ये आउटर है, ये इनर है आउटर है, मतलब जो आपकी जो लेफ्ट वाला है वो इनर होता है, ये आउटर होता है। तो अमाउंट स्टार वाले का अमाउंट इनर में, और कितना लाइन छोड़ना है? तीन लाइन छोड़ना है। अगर एक स्टार रहेगा तो तीन स्टार, दो स्टार रहेगा तो आपको पांच लाइन छोड़ना है, अगर तीन स्टार रहेगा तो आपको 7 to 8 लाइन क्या करना है? छोड़ना है। तीन स्टार रहेगा तो 7 to 8 लाइन क्या करना है? छोड़ना है। काफ़ी सारे बच्चे बोल गए सर 4 स्टार रहेगा तो हमें 10 लाइन क्या करना है? उसके लिए छोड़ देना है। क्लियर? हमें 10 लाइन क्या करना है? उसके लिए छोड़ देना है। तो बस यहाँ पर आ जाओ। इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगा? असेट्स में स्टार करो। तो देखो एडवर्टाइजमेंट कहाँ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। ए फॉर एडवर्टाइजमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस। अभी इसको स्टार क्यों कराओ? क्योंकि यहाँ पर कितना बोल रहे हैं? पेड फॉर 9 मंथ, और हम कितने साल का पे करते हैं? 12 महीने होते हैं, तो यहाँ पर 9 मंथ का ही, मतलब 3 महीने का पे करना क्या है बाकी, उसको क्या बोले आउटस्टैंडिंग, तो इसको स्टार कर दो। और रॉयल्टी कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। प्रोडक्ट का क्या करना? हम रॉयल्टी रहता है उसको ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। ऑलरेडी मैंने ट्रेडिंग अकाउंट में लास्ट में आपको मिल जाएगा, रॉयल्टी कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। स्टार किया तो स्टार रहने दो। जनरल रिजर्व कहाँ जाएगा बेटा? बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पे जाएगा। जनरल रिजर्व कहाँ जाएगा? लाइबिलिटी। कैपिटल देखो, हमने कौन सा कैपिटल बनाया? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया गया, तो ये कहाँ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। क्लियर है? और वहाँ पर नाम क्या आएगा? बाई बैलेंस क्या आ जाएगा? ब्रॉड डाउन आ जाएगा। क्यों? अपनी बुक में अपना नाम नहीं आता, इसके लिए क्या आ जाएगा? बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन आ जाएगा। सेम एज ए क्रेडिटर कहाँ जाएगा? लाइबिलिटी में, तो एल लिखूँ। देखो ये आर डी डी, ये कौन सा आर डी डी? अपने लिए ओल्ड आर डी डी। ये ओल्ड आर डी डी क्या होता है? बैड डेब्ट्स के फॉर्मूले में से क्या होता है? लेस हो जाता है। क्लियर? ये ओल्ड आर डी डी बैड डेब्ट्स के फॉर्मूले में से लेस हो जाता है। तो यहाँ पर आपको बैड डेब्ट्स दिखा, उसको क्या कर दूँ? स्टार कर दूँ। क्लियर? और बैड डेब्ट्स का फॉर्मूला क्या है? बैड डेब्ट्स एट न्यू, बैड डेब्ट्स एट न्यू आर डी डी लेस ओल्ड आर डी डी। जब मैं लिखाऊंगा आपको, जब खाली स्टार करके रखो, जब बैड डेब्ट्स को स्टार रहेगा तो उसका पूरा फॉर्मूला आएगा। सेल्स क्या जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड। तो यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट की क्या लिखूँ? क्रेडिट साइड। अभी तुम बोलो सर इसको लेस क्यों किया? अगर ये क्रेडिट में, डेबिट में जाएगा तो क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। सेम एज देखो ये सेल्स रिटर्न था। क्लियर है? तो अभी सेल्स में से क्या हो जाएगा? लेस। मतलब ये जो डेबिट वाली चीज़ें मैं क्रेडिट में लिखूँ तो क्या होता है? लेस। सिंपल है ना? यहाँ पर प्लस है, इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ पर प्लस है, इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। यही सीखा था ना स्कूल में, बीच में इक्वल टू है। यहाँ पर प्लस रहेगा तो यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यहाँ पर माइनस है तो इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। सेम एज यहाँ पर प्लस है, इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। सेम एज आर डी डी भी यहाँ पर प्लस है, इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। देखो ट्रेडिंग अकाउंट और लेस क्या हो जाएगा? सेल्स में से सेल्स रिटर्न, तो सेल्स को भी क्या कर दूँ? स्टार, क्योंकि सेल्स रिटर्न क्या होगा? लेस हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग वेजेस कहाँ जाता है? लाइबिलिटी। अभी तुम बोलोगे सर वेजेस ट्रेडिंग और आगे क्या दिया? आउटस्टैंडिंग का मतलब पे करना बाकी है, तो कहाँ चला जाएगा? लाइबिलिटी साइड पे चला जाएगा। परचेज देखो सेल्स रिटर्न क्या करते थे? लेस फ्रॉम सेल्स, तो परचेज रिटर्न क्या होगा? लेस फ्रॉम परचेज हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर आ जाएगा लेस फ्रॉम परचेज हो जाएगा। और परचेज को मैं क्या कर दूँ? स्टार कर दूँ, तो यहाँ पर आपको परचेज दिख जाएगा। ये रहा परचेज, उसको क्या कर दूँ मैं? स्टार कर दूँ, क्यों? परचेज में से क्या करना है? लेस। अभी देखो यहाँ पर भी आपको डिस्काउंट था, तो ये कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड, क्यों? ये डेबिट बैलेंस है तो डेबिट वाला, और ये क्रेडिट में दिया है तो ये कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस की कहाँ चला जाएगा? क्रेडिट साइड पे जाएगा। डेबिट वाला डिस्काउंट, डेबिट में क्रेडिट वाला डिस्काउंट कहाँ चला जाएगा? क्रेडिट साइड पे चला जाएगा।
आगे एडजस्टमेंट देखते हैं, एडजस्टमेंट की कितनी इफेक्ट होते हैं, टू इफेक्ट होती है, क्लियर। आप सभी को पता है एडजस्टमेंट की कितनी इफेक्ट होती है, टू इफेक्ट। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाएगा, वेरी फर्स्ट इफेक्ट क्या होता है उसका, ट्रेडिंग अकाउंट की कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड ट्रेडिंग अकाउंट की कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट की कहाँ चला जाएगा, असेट साइड पे चला जाएगा। आप सभी को पता है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बैलेंस शीट असेट साइड। अभी डेप्रिसिएशन बिल्डिंग एंड, अभी क्लोजिंग स्टॉक में किसी को स्टार करने की जरूरत नहीं है, डेप्रिसिएशन बिल्डिंग एंड मशीनरी। तो यहाँ पर देखो बिल्डिंग मेरे को दिखा, बिल्डिंग को स्टार कर दूँ, मशीनरी दिखा, मशीनरी को क्या कर दूँ मैं, स्टार कर दूँ। डेप्रिसिएशन बोले तो ऐड करना है कि लेस करना है, लेस होता है। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, वैल्यू कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है, बिल्डिंग का 5% मशीनरी का 3%। और ये वैल्यू कम होगा, असेट्स का वैल्यू कम हो जाएगा तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, लॉस होगा। और लॉस कहाँ आता है, वेरी फर्स्ट इफेक्ट क्या रहेगा, हमें क्या करना है, असेट्स में से क्या करना है, मुझे लेस करना है, असेट्स में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे आ जाएगा, कितना वैल्यू जो हमने लेस किया वही वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर। बिल रिसीवेबल इंक्लूड डिसऑनर ऑफ बिल, देखो बिल रिसीवेबल में से क्या हो रहा है, इंक्लूड क्या हो रहा है, डिसऑनर ऑफ बिल। तो यहाँ पर देखो मैं आपको करके बता रहा हूँ, ये बिल रिसीवेबल इंक्लूड, देखो एक बात बताओ, आपका चेक बाउंस हो गया तो मतलब चेक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सेम एज अ बिल रिसीवेबल क्या हो रहा है, डिसऑनर होता है, बिल रिसीवेबल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर वेरी फर्स्ट में क्या कर दूँ, बिल रिसीवेबल का आ गया उसको स्टार कर दूँ, मतलब वेरी फर्स्ट इफेक्ट क्या रहेगा, लेस फ्रॉम बिल रिसीवेबल। सेकंड इफेक्ट क्या रहेगा, ऐड इन सन्ड्री डेटर, क्लियर है। तो वेरी फर्स्ट इफेक्ट क्या करना है यहाँ पर, लेस फ्रॉम क्या रहेगा, बिल्स रिसीवेबल, बी आर का मतलब क्या रहेगा, बिल रिसीवेबल। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा बेटा, ऐड किस में कर देगा, ऐड इन डेटर रहेगा, क्लियर। ऐड इन क्या रहेगा, डेटर रहेगा। और दोनों कहाँ रहता है, बैलेंस शीट असेट साइड में ही रहता है, क्लियर। बिल रिसीवेबल भी कहाँ जाएगा, असेट साइड में रहता है। और ये एडजस्टमेंट थ्री था तो यहाँ पर थ्री कर दूँ, क्लियर है, ये वाला यहाँ पर आ गया। तो वेरी फर्स्ट इफेक्ट क्या रहेगा, लेस फ्रॉम बिल रिसीवेबल। सेकेंड इफेक्ट क्या रहेगा, ऐड इन डेटर रहेगा। तो यहाँ पर बिल रिसीवेबल को स्टार कर दूँ और क्या करूँ, सन्ड्री डेटर को भी क्या कर दूँ मैं, स्टार कर दूँ। आगे क्या बोल रहे, गुड्स वर्थ ₹1000 टेकन बाय दया फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज आएगा तो क्या आ जाएगा, ड्राइंग आ जाएगा, क्लियर। आप सभी को पता है पर्सनल यूज आएगा तो ड्राइंग। वॉज नॉट एंटर इन द बुक्स ऑफ, मतलब ये क्या हुआ, अनरिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड मतलब उसको रिकॉर्ड किया नहीं है, क्लियर है। तो पहले देखो, गुड्स वर्थ ₹1000 टेकन बाय दया, तो वेरी फर्स्ट इफेक्ट क्या रहेगा इसका, फोर्थ वाले का, तो मतलब ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड से तो अपने पास से जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट की कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड से तो अपने पास से क्या हो रहा है, गुड्स आ रहा है। सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की कहाँ जाएगा, डेबिट साइड पे चला जाएगा। क्यों, पर्सनल यूज हुआ तो क्या हुआ, ड्रॉइंग हुआ, और ड्रॉइंग ऑलवेज क्या रहता है, डेबिट साइड। और किस में लिखना है हमें, दया के अकाउंट में लिखना है, किस में आ जाएगा, दया अकाउंट में आ जाएगा, क्लियर है। तो वेरी फर्स्ट इफेक्ट क्या रहेगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड, किस में आएगा, ड्राइंग लिखेंगे वहाँ पर, नाम किस में आ जाएगा, दया में आ जाएगा अमाउंट। अभी आगे क्या बोल रहे, रिटर्न ऑफ 1000 एज अ बैड डेब्ट्स एंड मेंटेन RDD 5% ऑन डेटर, मतलब डेटर में से वेरी फर्स्ट क्या लेस होता है, बैड डेब्ट्स, उसके बाद क्या लेस होता है, RDD क्या होता है, डेटर में से लेस होता है। तो वेरी फर्स्ट डेटर को देखो, पहले बैड डेब्ट्स भी लेस होगा, उसके बाद क्या लेस होगा, RDD भी लेस होगा। तो डेटर को कितने स्टार कर दूं मैं, टोटल 2 स्टार और हो जाएगी, मतलब 1 स्टार तो है और 2 स्टार, मतलब कितने स्टार हो गए डेटर को, 3 स्टार क्या हो गए, सन्ड्री डेटर को हो गए, क्लियर है। तो वेरी फर्स्ट डेटर में से क्या हो जाएगा, बिल रिसीवेबल लेस हो जाएगा, मतलब बिल रिसीवेबल ऐड हो जाएगा, उसके बाद ये 1800 लेस हो जाएगा, उसका जो अमाउंट मिला उस पर क्या करना है, और 5% क्या करना है, मुझे लेस कर देना है। आगे क्या बोल रहे, गुड्स ऑफ ₹600 वो, ये देखो ये बैड डेब्ट्स में से लेस होगा, सेकेंड इफेक्ट कहाँ आ जाएगा, ये अपना बैड डेब्ट्स के फॉर्मूले में आ जाएगा RDD। और यहाँ पर बैड डेब्ट्स को स्टार किया, मतलब ऑलरेडी हमें पूरा फॉर्मूला लिखेंगे उसमें आ जाएगा। आगे क्या बोल रहे, गुड्स ऑफ ₹6000 वेल सोल्ड, हमने गुड्स क्या किया, सेल किया, बट नॉट एंट्री मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब ये सिक्स वाला क्या है, अनरिकॉर्डेड सेल है, क्या है, अनरिकॉर्डेड सेल्स। मैंने जैसे एडजस्टमेंट में आपको बताया था अनरिकॉर्डेड क्या है, ये सेल्स है। और अनरिकॉर्डेड सेल्स की फर्स्ट इफेक्ट क्या रहता है, ऐड इन सेल्स हो जाएगा, क्लियर है, ऐड इन क्या हो जाएगा, सेल्स हो जाएगा। और सेल्स कहाँ होता है आपको, ट्रेडिंग अकाउंट की कहाँ होता है, क्रेडिट साइड पे होता है, क्लियर है। और सेकंड इफेक्ट देखो, सेल किया, हमें सामने वाली पार्टी से क्या करना पड़ेगा, पैसा लेना पड़ेगा, और जिससे पैसा लेना है उसको क्या बोलते हैं हम, डेटर। तो ऐड इन क्या हो जाएगा, डेटर में क्या करना, ऐड। और डेटर कहाँ रहता है, बैलेंस शीट की कहाँ रहेगा, असेट साइड पर रहेगा।
तो सेल्स को स्टार कर दूँ, मतलब सेल्स को कितने स्टार हो गए, दो स्टार, दो स्टार मतलब कितना लाइन छोड़ना है, पांच लाइन छोड़ना है। और डेटर को कितने स्टार हो गए, देखो चार स्टार हो गए, मतलब कितना लाइन छोड़ना है अप्रॉक्सीमेटली, हमें 10 लाइन क्या करना है डेटर के लिए रिजर्व करके रखना है, क्लियर है। तो बस सेम टू सेम जैसा यहाँ पर दिखा मैंने भी फॉर्मेट बना दिया है। चलो हम फ्रेंड मिलके एक एक क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। वेरी फर्स्ट अगर देखोगे तो क्या दिया है हमें, स्टॉक मतलब कौन सा स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। तो वेरी फर्स्ट यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड देखो, डेबिट साइड पे यहाँ पर डेबिट में लिखते हैं तो क्या आ जाएगा, टू। यहाँ पर क्या लिखूँ मैं, ओपनिंग स्टॉक लिखो, क्लियर है, ओपनिंग स्टॉक। और देखो स्टार नहीं है तो अमाउंट कहाँ लिखना है, सीधा आउटर में जाएगा, कितना दिया है 65,000 दिया है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 65,000 आ जाएगा। और देखो मैं कॉमा करो, आप भी कॉमा की आदत रखना। उसके बाद क्या दिया, बिल रिसीवेबल को क्या है, स्टार है, अमाउंट कितना दिया है 28,000। बिल रिसीवेबल कहाँ जाएगा, असेट साइड में, तो यहाँ पर असेट साइड पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखो असेट साइड पर टू बाई कुछ नहीं था, डायरेक्ट क्या आ जाएगा, बिल्स रिसीवेबल आ जाएगा, क्लियर है। यहाँ पर बिल्स में क्या लिखूँ, रिसीवेबल, मेरे साथ आप लिखते रहोगे तो अच्छा रहेगा, 28,000, क्लियर है। और देखो इसको स्टार है तो क्या करूँ, तीन डॉट कर दूँ, क्योंकि तीन लाइन क्या करना है हमें छोड़ना है। और क्या दिया है, वेजिस एंड सैलरी कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट। एक बात बताओ, ट्रेडिंग अकाउंट में वेरी फर्स्ट क्या था, ओपनिंग स्टॉक ऐड क्या होता है, परचेस। तो देखो परचेस आएगा, परचेस को स्टार है, क्लियर। तो एक दो तीन लाइन क्या करूँ मैं यहाँ पर छोड़ दूँ, क्यों, पहले क्या आ जाएगा परचेस, तो यहाँ पर तीन लाइन छोड़ने के बाद क्या लिखूँ, प्रॉपर सिस्टमेटिक लिख रहा हूँ इसके लिए, आप चाहो तो यहाँ पर भी ऊपर लिखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्लियर है। पर मैं थोड़ा एक अच्छा दिखाने के लिए आपको लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा वेजिस एंड क्या आ जाएगा, सैलरीज आ जाएगा, क्लियर। अगर दो लाइन में आए तो दो लाइन में आपको अच्छे से लिखना है, स्टार नहीं है तो अमाउंट कहाँ चला जाएगा, सीधा आउटर में 9,000 चला जाएगा। आगे क्या बोल रहे, सन्ट्री डेटर कहाँ जाएगा, असेट साइड में। और देखो इसको चार स्टार मतलब आपको अराउंड 10 लाइन क्या करना है, सन्ट्री डेटर के लिए छोड़ देना है। तो यहाँ पर देखो सन्ट्री डेटर भी काफ़ी सारे बच्चे बिल रिसीवेबल को स्टार है तो उसका एडजस्टमेंट देखने जाते हैं, अरे ऐसा नहीं करना है, पहले सारा अच्छे से ट्रांसफर कर दो, उसके बाद डेफिनेटली मेरा गारंटी आपको 110% समझ में आ जाएगा। सन्ट्री डेटर कहाँ पर आ जाएगा, असेट साइड में, तो तीन स्टार है, तीन डॉट छोड़ के यहाँ पर आ जाएगा सन्ट्री डेटर में लिखो, क्लियर है। सन्ट्री डेटर्स अमाउंट कितना है, 1,32,500 है, उसको कितने स्टार, चार लाइन, मतलब 10 लाइन क्या करो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, 10 लाइन क्या कर दिया मैंने, छोड़ दिया यहाँ पर। आगे क्या बोल रहे हैं, बैड डेब्ट्स कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, स्टार है तो बैड डेब्ट्स का क्या लिखना पड़ेगा, फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो वेरी फर्स्ट ऊपर की एक लाइन छोड़ दो प्रॉफिट एंड, क्योंकि यहाँ पर नेट प्रॉफिट, यहाँ पर जो ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस आएगा हमें लिखने को काम आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा बैड डेब्ट्स लिखो, क्लियर है। अमाउंट कितना लिखूँ, ये 1,000। और बैड डेब्ट्स का आप सबको फॉर्मूला पता रहेगा कि नहीं पता रहेगा, मैं यहाँ पर रेड पेन से लिख रहा हूँ, आप एग्ज़ाम में कोई भी एक ही पेन यूज़ करना है तो जस्ट आपको समझे इसके लिए। बैड डेब्ट्स ऐड क्या हो जाएगा, यहाँ पर न्यू बैड डेब्ट्स, क्लियर, यहाँ पर आ जाएगा न्यू बैड डेब्ट्स, ऐड क्या हो जाएगा, यहाँ पर न्यू आर डी डी, क्लियर है, यहाँ पर आ जाएगा न्यू आर डी डी। और एक लाइन छोड़ने के बाद क्या लिखो, लेस ओल्ड आर डी डी क्या करो, लिख दो, क्लियर। और ओल्ड आर डी डी हमको दिया ही गया, अभी तुम काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पर तुरंत ही जाके कूद के लिख देंगे 1,000, नहीं जब ही आएगा तभी हम लाइन से सीक्वेंस वाइज करेंगे, जब ही आएगा तभी हम लिखेंगे। आगे अगर देखते हैं क्या बोल रहे हैं, ये बैड डेब्ट्स हो गया, उसके बाद परचेस कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो देखो हमने परचेस के लिए यहाँ पर एक छोड़ के ही रखा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू परचेज आ जाएगा, क्लियर है। यहाँ पर टू परचेज अकाउंट कितना दिया है, 1,48,000 दिया गया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1,48,000 आ जाएगा, क्लियर है। यहाँ पर देखो क्या बोल रहे हैं, मोटर कार कितने कहाँ पर जाएगा, असेट्स में, और कितना दिया है 68,000। तो यहाँ पर डेटर को 10 लाइन था उसको स्टार छोड़ के यहाँ पर आ जाएगा मोटर कार अकाउंट कितना आ जाएगा 68, और स्टार नहीं है तो डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा, आउटर में चला जाएगा। उसकी मशीनरी कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट असेट साइड पे जाएगा। एक्चुअली मैं मोटर कार के बाद डायरेक्ट ऑडिट फीस पे चला गया, तो अब मशीनरी का अमाउंट 1,14,800 आप क्या करना, असेट साइड पे लिख देना, और स्टार है तो तीन लाइन क्या करना, छोड़ देना। उसके बाद ऑडिट फीस कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएगा, कितना दिया है 1,200 दिया गया है। तो यहाँ पर उसके नीचे वाली लाइन से आप चाहो तो लिख सकते हो टू ऑडिट फीस, क्लियर है। यहाँ पर ऑडिट फीस में लिखो अमाउंट कितना दिया है, 1,200 मुझे दिया गया है। आगे क्या बोल रहे, सेल्स रिटर्न क्या होगा, सेल्स में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्रेडिट साइड पे क्या आता है, यहाँ पर बाय सेल्स आता है, राइट, तो बाय सेल्स में लिख दो। अभी सेल्स का अमाउंट यहाँ पर देख के नहीं लिखना, अभी जब ये आएगा तभी सिक्वेंस से जाना है। यहाँ पर लेस क्या हो जाएगा, सेल्स रिटर्न, क्लियर है। यहाँ पर क्या लिखो, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न को दूसरा क्या बोलते हैं, रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं। सेल्स रिटर्न का अमाउंट कितना दिया गया,
2000 दिया गया है, तो यहाँ पर मैं 2000 लिखूँ। अभी आप चाहो तो इसको आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हो कि इसको क्या करना है, लेस करना है इसके लिए। अभी यहाँ पर डिस्काउंट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में कितना दिया गया। अभी देखो ये क्रेडिट डेबिट की चीज़ है, मैं कहाँ लिख रहा हूँ, क्रेडिट में लिख रहा हूँ, इसके लिए क्या होता है, लेस होता है। सेल्स रिटर्न हो गया, डिस्काउंट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड 2300, तो यहाँ पर आ जाएगा। ऑडिट फीस के नीचे ही क्या लिखूँ, टू डिस्काउंट मैं लिखूँ, अमाउंट कितना दिया गया है 2300 मुझे दिया गया है। आगे क्या बोल रहे, बिल्डिंग कहाँ जाएगा, असेट्स में 75,000, और बिल्डिंग को स्टार है तो मोटर कार के नीचे ही क्या लिखूँ, यहाँ पर मैं बिल्डिंग में क्या करूँ, लिखूँ अमाउंट कितना दिया है 75,000 दिया गया है, स्टार है तो क्या करूँ, तीन लाइन क्या कर दूँ मैं, छोड़ दूँ। आगे क्या दिया है, कैश एट बैंक को कहाँ जाएगा, असेट्स में, तो यहाँ पर आ जाएगा कैश एट बैंक अकाउंट, अमाउंट कितना दिया है 12,000, स्टार नहीं है तो डायरेक्ट आउटर में, इन्वेस्टमेंट को स्टार है तो कहाँ जाएगा, असेट साइड पे, और देखो यहाँ पर आ जाएगा 10% इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पर आ जाएगा 10% इन्वेस्टमेंट कितना दिया है 20,000 दिया गया है, तो 20,000 स्टार है, तीन लाइन क्या कर दो, छोड़ दो, क्लियर है। आगे देखो एडवर्टीजमेंट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड, तो देखो यहाँ पर आ जाएगा टू एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा, क्लियर है। एडवर्टाइजमेंट कितना दिया गया है मुझे 4,500 दिया गया, और ब्रैकेट में कितना लिखूँ, पेड कितने महीने का है, पेड फॉर 9 मंथ का है, क्लियर है। और इसको क्या करूँ, तीन लाइन क्या कर दूँ मैं, छोड़ दूँ, ये हिडन एडजस्टमेंट है। रॉयल्टी कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, तो यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर क्या आ जाएगा, रॉयल टीज आ जाएगा, क्लियर। अमाउंट कितना दिया गया है 3,000 मुझे दिया गया है। अभी ये सारा डेबिट साइड की चीज़ें देखोगे, सारी डेबिट साइड में चली गई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल में तो कुछ आया नहीं, और सारा बैलेंस शीट कहाँ चला गया, असेट साइड पे चला गया, खाली एक ही कहाँ गया, क्रेडिट में, और उसको क्या करके लिखा मैंने, लेस करके लिखा। अभी जनरल रिजर्व कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी साइड, लाइबिलिटी साइड पे वेरी फर्स्ट क्या आता है, कैपिटल आता है, तो कैपिटल के लिए थोड़ा सा स्पेस छोड़ के यहाँ पर लिखूँ मैं जनरल रिजर्व लिखूँ, क्लियर है। यहाँ पर आ जाएगा जनरल रिजर्व अकाउंट आ जाएगा, कितना दिया गया है 14,500 दिया गया है मुझे, तो आप देखोगे 14,500। अभी कैपिटल काफ़ी सारे जो स्कूल कॉलेज में बच्चे लोग को सिखाया रहेगा, कैपिटल डायरेक्ट लाइबिलिटी साइड पे लिख दो, वो एब्सोल्युटली रॉन्ग है, क्लियर। आपको अगर फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो तो कैपिटल के लिए सेपरेट कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, और जो बच्चे CA CS आगे जाके MBA वगैरह करने वाले तो उसके लिए स्पेशली इंस्ट्रक्शन है कैपिटल अकाउंट बनाना। कैपिटल अकाउंट की कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस दिया गया है, और यहाँ पर नाम क्या आ जाएगा, बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन आ जाएगा। दया का कितना दिया गया है 1,60,000 दिया है, तो यहाँ पर 1,60,000। करिश्मा का कितना दिया है 1,20,000, तो यहाँ पर 1,20,000 आ जाएगा, क्लियर है। जैसा आप देख सकते हो मैंने अच्छे से लिख दिया है। RDDA कौन सा RDDA, ओल्ड RDDA कितना दिया गया है मुझे, सॉरी उसके पहले क्रेडिटर है कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी साइड पर जाएगा 98, तो यहाँ पर आ जाएगा क्रेडिटर। मैंने बताया था लाइबिलिटी और असेट्स में 2x कुछ नहीं रहता, कितना रहेगा 98,000 रुपीज़ है। RDDA कहाँ जाएगा, ओल्ड RDDA कहाँ जाएगा, ये मतलब बैड डेट्स में फॉर्मूले में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। जैसे ये मैंने बताया था ओल्ड RDDA कितना दिया है 1,800, ये लेस होगा तो इसके लिए क्या कर दूँ, ब्रैकेट कर दूँ। मैंने बताया था ये देखो क्रेडिट की चीज़ें मैं कहाँ लिख रहा हूँ, डेबिट में लिख रहा हूँ, तो क्या करके लिखूँगा, लेस करके लिखूँगा। सेल्स कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में, तो और सेल्स को देखो अमाउंट कितना दिया है 2,85,500, और सेल्स को 2 स्टार है, 2,85,500 लिखो। अभी सेल्स को कितने स्टार है बेटा, 2 स्टार, मतलब 1 स्टार तो ये लेस का है, दूसरा यहाँ पर अनरिकॉर्डेड सेल्स का दिया गया हमें, तो पहला 2,85,500 माइनस करूँगा तो 2,00,000 कितना आ जाएगा, 83,500 रुपीज़, ये इनर में ही रहेगा, क्यों, एक और स्टार का काम बाकी, 1 स्टार ही हुआ ना अभी तक, बस आगे छोड़ दो। उसके नीचे क्या बोल रहा है, आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना दिया है 700, तो लाइबिलिटी साइड पे यहाँ पर आ जाएगा आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो यहाँ पर लिखो आउटस्टैंडिंग में क्या लिखो, वेजेस अमाउंट कितना दिया गया है 700 रुपीज़ मुझे दिया गया है। परचेज रिटर्न क्या हो जाएगा, परचेज में से लेस हो जाएगा, तो यहाँ पर परचेज है उसमें से क्या लिखूँ, लेस परचेज रिटर्न, तो इसके नीचे क्या आ जाएगा, परचेज रिटर्न आ जाएगा, क्लियर है। यहाँ पर लिखो परचेज रिटर्न्स कितना दिया गया है मुझे 4,000 दिया गया है, तो यहाँ पर 4,000 मेरे को क्या करना है, लेस करना है, तो देखो 1,48,000 में से क्या कितना बचेगा, 1,44,000 बचेगा।
आगे क्या बोल रहे हैं, डिस्काउंट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड कितना दिया है, 1800 मुझे दिया गया है, तो प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड बाय क्या आ जाएगा, डिस्काउंट आ जाएगा, क्लियर है। और यहाँ पर कितना अमाउंट दिया है, 1800 रुपीज़ दिया गया। जैसा आप देख सकते हो मैंने सारा चीज़ क्या कर दिया, अच्छे से ट्रांसफ़र कर दिया। अब बारी आई एडजस्टमेंट की, आप चाहो तो यहाँ पर रेड पेन, मतलब आपको दूसरी पेन, मैंने यहाँ पर रेड पेन लेके रखी है। अभी देखो पहले सिंपल सिंपल एडजस्टमेंट को ट्राई कर दे, डायरेक्ट पहले ये हिडन एडजस्टमेंट पे नहीं जाने का। तो पहले सिंपल सिंपल क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट, असेट साइड। तो चलो देखो सेल्स को स्टार है तो और तीन लाइन यहाँ पर छोड़ने का बाकी है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाय क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, क्लियर है। कितना दिया गया है क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट, 40,000। तो डायरेक्ट आउटर में 40,000। और सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा इसका, बैलेंस शीट की असेट साइड। तो बैलेंस शीट की असेट साइड में देखो इन्वेस्टमेंट के नीचे आपको थोड़ा सा तीन लाइन छोड़ने के बाद क्या आ जाएगा, पर क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पर दिया ही है 40,000 दिया गया है। तो यहाँ पर भी मैं कितना लिखूंगा, 40,000 मैं क्या करूँगा लिखूंगा। आगे क्या बोल रहे हैं, डेप्रिसिएशन बिल्डिंग एंड मशीनरी कितना बोल रहे हैं, 5% और 3% से क्या करना है, लेस करना है। तो सबसे पहले बिल्डिंग का कितना है, 5% है। तो यहाँ से बिल्डिंग का कितना है, 5%। तो यहाँ से लेस क्या हो जाएगा, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट कितना परसेंट है, 5% है, क्लियर है। तो यहाँ से 5% क्या करना है, लेस। नीचे ही क्या करो आप, ऐसे ब्रैकेट करो, 75,000 का कितना निकालना है मेरे को, 5% निकालना है। तो 5 अपॉन कितना आ जाएगा, 100, 20 कैंसिल, कितना आया, 750 मल्टीप्लाई बाय क्या करना है, 5 करना है। तो यहाँ पर जस्ट एज मैं आपको करके बताऊँ, 750 मल्टीप्लाई बाय 500, 5 5 25, 5 7 35, और कितना आ गया, 37,000 कितना आ गया, मतलब 3,750 आ जाएगा यहाँ पर। तो इसका माइनस करेंगे कितना, 3,750 मुझे क्या करना है, माइनस करना है। 75,000 माइनस 3,750 करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 71,250 आउटर में आंसर आ जाएगा। आगे मशीनरी का कितना बोल रहे, 3% रिस्पेक्टिवली डेप्रिसिएशन क्या कर रहे बोल रहे। जैसा मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि मशीनरी में लिखना भूल गया था, तो अभी मेरे को रिसेंटली पता चला तो मशीनरी कहाँ जाएगा, 3%। तो मैंने क्या कर दिया, एंड में क्या कर दिया, मशीनरी लिख दिया, और स्टार था तो उसको इनर में लिख दिया। अभी यहाँ से सेम एज हमने बिल्डिंग का कैसे किया था 5%, तो वैसे ही सेम टू सेम मशीनरी का भी आएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लेस डेप्रिसिएशन हो जाएगा, क्लियर है। यहाँ पर डेप्रिसिएशन एट द रेट कितना परसेंट बोल रहे हैं, 3% बोल रहे हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँ 1,14,800 मल्टीप्लाई बाय कितना करना है, 3 अपॉन कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ये 20 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, मतलब कितना आंसर बचा, 1,14,800 मल्टीप्लाई बाय कितना करना है, 3 मुझे करना है। अगर मैं इसको करूँगा तो 8 8 1 8 8 2 16, 8 3 कितना होगा, 24 हो जाएगा, और 4 3 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 14 का 4 हो जाएगा, 3 प्लस कितना हो जाएगा, 3 1 प्लस 4 हो जाएगा, और 3 मतलब आंसर कितना आएगा, 3,444 अपना आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 3,444 मुझे क्या करना है, माइनस करना है। अभी 1,14,800 माइनस कितना करना है, 3,4,4, ये कितना आ जाएगा, 10, ये कितना आ जाएगा, 9, ये कितना आ जाएगा, 7, 10 में से 4 गया कितना बचेगा, 6, 9 में से 4 गया कितना बचेगा, 5, 7 में से 4 गया कितना बचेगा, 3, ये कितना बचेगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 का 1 यहाँ पर ही रहेगा, मतलब आंसर कितना आएगा, 1,11,000, मतलब ये कितना है, 1,11,365 अपना आंसर आ जाएगा, 356 अपना आंसर आ जाएगा, क्लियर। ये मेरा आंसर एब्सोल्युटली राइट है। अभी मैंने बताया था डेप्रिसिएशन का फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा, ये तो लेस हो जाएगा। सेकंड इफेक्ट कहाँ जाता है, यहाँ पर देखोगे डेप्रिसिएशन क्या होता है, बैल लेस हो जाएगा। सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में अमाउंट कितना लिखे कि जितना हमने अमाउंट लेस किया वही अमाउंट आएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पर यहाँ पर देखो एडवर्टाइजमेंट को स्टार है तो उसके नीचे आ जाएगा 2 डेप्रिसिएशन, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 डेप्रिसिएशन ऑन किसका है, पहला मैं लिखता हूँ बिल्डिंग, तो यहाँ पर आ जाएगा बिल्डिंग का लिखूँ डेप्रिसिएशन अमाउंट कितना दिया गया है, 3,750। सेकेंड इफेक्ट क्या, सेकेंड किसका आ जाएगा, 2 डेप्रिसिएशन ऑन किसका दिया गया को, मशीनरी, तो मशीनरी में लिखूँ अभी जो अमाउंट हमने आया ना वही अमाउंट आएगा, कितना है, 3,444 अपना आंसर आ गया, क्लियर है। वेरी सिंपल ही था, अच्छे से हमने कर दिया। आगे क्या बोल रहे,
बिल रिसीवेबल इंक्लूड डिसऑनर बिल कितना बोल रहे हैं 3000, मतलब बिल रिसीवेबल में से क्या होगा लेस हो जा, मैंने यहाँ पर बताया था लेस फ्रॉम बिल रिसीवेबल एड इन क्या हो जाएगा डेटर, और दोनों कहाँ रहता है बैलेंस शीट असेट साइड में, तो यहाँ से क्या करेंगे लेस डिसऑनर बिल लिखूँ तो यहाँ पर बिल रिसीवेबल में से क्या हो जाएगा लेस हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखूँ लेस डिसऑनर, देखो यहाँ पर दिया ये डिसऑनर क्या लिखूँ मैं यहाँ पर बिल लिखूँ ऑनर बिल कितना वैल्यू लेस हुआ, देखो बिल रिसीवेबल का कितना वैल्यू 3000, तो यहाँ से 3000 लेस करोगे 28 से 3 का कितना बचेगा 25, और डेटर में क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा ऐड क्या लिखेंगे बिल रिसीवेबल डिसऑनर, तो यहाँ पर आ जाएगा बिल रिसीवेबल डिसऑनर आ जाएगा, क्लियर है बिल रिसीवेबल क्या हो रहा है ये डिसऑनर हो रहा है, क्लियर है ऐड बिल रिसीवेबल कितना वैल्यू 3000 क्या करना है ऐड करना है, तो इसको ऐड करोगे कितना आ जाएगा 135,500 अपना आंसर आ जाएगा, क्लियर है वैसे वेरी वेरी सिंपल है, इसको लेस करना है बिल रिसीवेबल ऐड इन क्या करना है डेटर करना है। आगे क्या बोल रहे गुड्स वर्थ ₹1000 टेकन बाय दया फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज आएगा तो क्या आएगा ड्रॉइंग एंड नॉट एंटर इन द बुक्स, मतलब गुड्स विद द ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर आ जाएगा, तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर लिखना है, तो यहाँ पर लिखो बाय गुड्स क्या कर रहे हैं हम विदड्रॉ कर रहे हैं, क्लियर है फॉर किसके लिए बेटा पर्सनल यूज़ के लिए कर रहे हैं, पर्सनल यूज़ के लिए कर रहे हैं, और कौन कर रहा है बेटा यहाँ पर नाम दिया है तो दया, तो ब्रैकेट में किसका नाम लिखूँ मैं दया करके लिखूँ दया विड्रॉ गुड्स फॉर पर्सनल लिखो तो भी चलेगा, कितने का गुड्स विड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पर 1000 का, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा, क्लियर है, और देखो पर्सनल यूज़ हुआ तो क्या आएगा ड्रॉइंग, और ड्रॉइंग कहाँ पर आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड, और डेबिट में किस में आ जाएगा दया में आ जाएगा, एक क्रेडिट हुआ तो दूसरा डेबिट, तो टू यहाँ पर क्या आ जाएगा ड्रॉइंग आ जाएगा, क्लियर है टू यहाँ पर क्या आ जाएगा ड्रॉइंग अकाउंट आ जाएगा, और दया में कितना आ जाएगा 1000 रुपीज़ आ जाएगा, क्लियर है, मतलब ये हमने कर दिया मतलब कहाँ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड, और क्या लिख दिया मैंने पार्टनर्स कैपिटल की डेबिट साइड में दया में कितना लिख दिया 1000 रुपीज़ लिख दिया, और करिश्मा में क्या आ जाएगा डैश आ जाएगा। अभी आगे देखो क्या बोल रहे हैं रिटर्न ऑफ 1800 एज अ बैड डेब्ट्स एंड मेंटेन 5 RDD कितना बोल रहे हैं 5% ऑन डेटर, उसके बाद क्या बोल रहे हैं गुड्स वर्थ ₹6000 वर सोल्ड एंड नो एंट्री वॉज मेड, तो ये क्या हुआ ऑन रिकॉर्डेड सेल्स, ऑन रिकॉर्डेड सेल्स का एंट्री क्या रहता है एड इन सेल्स और एड इन डेटर, तो वेरी फर्स्ट हम कौन सा वाला एंट्री करेंगे ये वाला, उसके बाद क्या करेंगे ये वाला, क्यों ऐसा क्योंकि डेटर में से ये लेस कभी होता है एंड में लेस होता है, मतलब सब कुछ डेटर में से आ गया फिर ही उसके बाद क्या होगा बैड डेब्ट्स और RDD लेस होता है, तो अभी ये एंट्री बाकी है ना, तो ये एंट्री ऑलवेज जो रिटर्न ऑफ बैड डेब्ट्स और RDD का एंट्री ऑलवेज किस कभी रहता है लास्ट में रहता है, तो अभी ये एक बाकी है तो पहले क्या करते इसको क्या करते करेंगे उसके बाद क्या आ जाएगा रिटर्न ऑफ बैड डेब्ट्स एंड RDD का एंट्री आएगा, तो क्या करे 6000 सोल्ड नो एंट्री मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, तो क्या रहेगा अनरिकॉर्डेड सेल, तो क्या आएगा एड इन सेल्स और एड इन क्या आ जाएगा डेटर आ जाएगा, अमाउंट कितना रहेगा 6000 रहेगा, तो वेरी फर्स्ट मुझे क्या करना है सेल्स में क्या करना है ऐड करना है, तो यहाँ पर लिखूंगा ऐड अनरिकॉर्डेड सेल्स, तो यहाँ पर आ जाएगा अनरिकॉर्डेड रिकॉर्डेड क्या आ जाएगा ये सेल्स आ गया मेरे लिए, कितना सेल्स है 6000 रुपीज़, तो 6000 रुपीज़ यहाँ से क्या करना है मेरे को ऐड करना है, तो ये कितना आ जाएगा 289,500 रुपीज़ आ जाएगा, क्लियर है यहाँ पर, और सेकेंड इफेक्ट क्या आ जाएगा एड इन डेटर में आ जाएगा, तो यहाँ से भी क्या करूँ एड अनरिकॉर्डेड सेल्स में क्या करूँ लिखूँ अनरिकॉर्डेड क्या लिखूँ मैं सेल्स लिखूँ, क्लियर है कितना वैल्यू है 6000 रुपीज़ है, तो कितना आ जाएगा ये 135,000 में 6 ऐड करो कितना हो जाएगा 41,500 रुपीज़ हो जाएगा, क्लियर है वेरी वेरी सिंपल है। आगे अभी ये वाला एंट्री करेंगे रिटर्न ऑफ 1000 एज अ बैड डेब्ट्स एंड RDD कितना बोल रहे हैं 5%, तो डेटर में से वेरी फर्स्ट कितना लेस करना है मुझे 1800 रुपीज़ क्या करना है लेस करना है, लेस बैड डेब्ट्स अमाउंट कितना दिया गया है मुझे 1800 मुझे क्या करना है लेस करना है, तो यहाँ से क्या करूँ 1800 माइनस करूँ, अगर 141,500 माइनस अगर मैं 800 करूँगा तो आंसर कितना आ जाएगा ये 1 लाख अपने लिए 39,000 अपने लिए आ जाएगा 700 आंसर आ जाएगा, क्लियर है लेस क्या हो जाएगा बैड डेब्ट्स कितना हो जाएगा लेस हो जाएगा 1800 रुपीज़ क्या करना है यहाँ से लेस हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 1,39,700 रुपीज़ आ जाएगा, यहाँ पर बोला ये क्लियरली 1800 किस चीज़ का है यहाँ पर बैड डेब्ट्स का है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा 1800 क्या पहले लेस कर दूंगा, तो 1,41,500 जो अनरिकॉर्डेड सेल करने के बाद अमाउंट कितना आया था 1,41,500 उसमें से बैड डेब्ट्स कितना लेस हो जाएगा 1800 लेस हो गया, तो आंसर कितना आ जाएगा 1,39,000
9700 हमें आंसर आ जाएगा, क्लियर है। और इसकी सेकेंड इफेक्ट देखो, बैड डेब्ट्स की एंट्री क्या रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखो हमने लिखा था बैड डेब्ट्स एंड न्यू बैड डेब्ट्स, तो यहाँ पर न्यू बैड डेब्ट्स में आ जाएगा 1800 रुपीज़ के आ जाएगा। सेम ऐसा अभी RDD कितना बोल रहे हैं 5%, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5%। RDD का फुल फॉर्म क्या होता है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट होता है। तो यहाँ से क्या करूँगा, लेस RDD एट द रेट कितना परसेंट बोल रहे हैं, 5% बोल रहे हैं। तो देखो यहाँ पर 1,39,700 मल्टीप्लाई बाई कितना करना है, 5%, मतलब 5/100 कितना आ गया, 100 आ गया, 20। अभी तुम बोलो सर स्पेक्यूलर, जो अमाउंट यहाँ पर आया बैड डेब्ट्स लेस करने के बाद उसके ही बात क्या आता है, उस पर RDD आता है, मतलब कितना है ये 1,397 मल्टीप्लाई बाई कितना करना है 5, 5 7 सा कितना होता है 35, तो 5 आ जाएगा, 5 9 सा 45 और 3 कितना होता है 48 हो जाएगा, क्लियर है। और 5 3 सा 15 प्लस 9 हो जाएगा, 5 1 सा 5 और कितना आ गया आंसर 6985 आपको आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर लेस कितना करना है 6985 आपको लेस करना है, लेस करना है तो मैं ब्रैकेट में लिखूँ, यहाँ पर भी लेस करना था तो ब्रैकेट में मैं क्या करूँ लिख दूँ, अभी ऊपर भी आपकी मर्ज़ी आपको करना है तो आप ब्रैकेट अगर नहीं करोगे तो आप माइनस किया है तो भी चलेगा, ब्रैकेट नहीं करोगे तो भी चलेगा। 1,39,700 माइनस कितना करना है 6,095 करना है, क्लियर है। ये जीरो गलती से आ गया, क्लियर है। आपने देखोगे तो आंसर अपना सेम ही आया था, 6,985 आंसर आया था। तो 1,39,700 माइनस 6,985 अगर आप माइनस करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा 1,32,715 आपको आंसर आ जाएगा, क्लियर। आउटर में अगर माइनस करोगे तो आपको 1,32,715 आपको आंसर आ जाएगा। ये लेस किया, सेकेंड इफेक्ट देखो यहाँ पर आ जाएगा, हमने लिखा ही है ना एड न्यू RDD, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना आया था 6985 अपना आंसर आ गया था, क्लियर है। अभी क्या करना है, तीनों को क्या करूँ ऐड करूँ, ये 5 का 5 यहाँ पर हो जाएगा, 8 का 8 यहाँ पर, 8 + 8 कितना होता है 16 + 1 = 17 आ जाएगा ये। अभी और कितना ऐड करना है यहाँ पर 6789, तो ये कितना आ जाएगा 9785 आंसर आया। माइनस कितना करना है 1800, तो आउटर में हमें आंसर मिल जाएगा 7985 हमें आंसर मिल जाएगा, क्लियर है। 7985 आंसर आ जाएगा, मतलब ये तीनों को ऐड करूँ तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक लाइन छोड़ के रखा था, तो कितना है 9785 माइनस ओल्ड RDD कितना है 1800, तो आउटर में कितना आ जाएगा 7985 अपना आंसर आ जाएगा, क्लियर है। इसी के साथ देखोगे तो जो अपने एडिशनल इन्फॉर्मेशन थे वो मैंने सारी कर दी। अभी जो बचा हिडन एडजस्टमेंट, यहाँ पर देखो इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या बोल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट अपना हिडन एडजस्टमेंट है। तो देखो यहाँ पर मैंने इन्वेस्टमेंट कितना लिखा था 20,000 का लिखा था, अभी उसमें क्या करना है ऐड क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट कितने परसेंट से होगा, 10% के हिसाब से क्या करना है मुझे यहाँ पर इंटरेस्ट ऐड करना है। तो यहाँ पर लिखो ऐड इंटरेस्ट, ऐड इसको आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट बोलते हैं, ऐड आउटस्टैंडिंग मतलब पैसा लेना बाकी, ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अभी बोला नहीं गया इसके लिए, यहाँ पर ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना बाकी है। देखो ये 20,000 मल्टीप्लाई बाय कितना है, देखो 10% बोला तो 10/100 कितना आ जाएगा 100, अगर सब में बोला था 6 महीने का तो यहाँ पर कितना लिखा 6/12 00 गया, कितना आंसर आया 2000 आया, 20 में 2 ऐड कर दूँ कितना आ जाएगा 22,000 आ जाएगा, क्लियर है। और ये 2000 देखो एक बात बताओ, असेट्स में से लेस कर रहे थे तो उसके एंट्री कहाँ जा रहा था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में जा रहा था, अभी असेट्स में क्या कर रहे ऐड कर रहे तो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर जाएगा। एक बात बताओ ना, आपको पैसा लेना है ना इंटरेस्ट, अरे 20,000 इन्वेस्टमेंट किया, अभी एंट्री कितना हो गया 22, मतलब 2000 बढ़ा तो हमको क्या हुआ प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट कहाँ आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बाय आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, तो यहाँ पर आ जाएगा बाय आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट आया। अभी तुम बोलोगे सर तुम आउटस्टैंडिंग क्यों लिख रहे हो, क्योंकि सब में बोला नहीं गया तो हम अपनी मर्जी से करें, क्योंकि ये हिडन एडजस्टमेंट है, मतलब इंटरेस्ट हमें मिला नहीं है, मिलने वाला है इसके लिए, ये फ्यूचर में हमें क्या होगा प्रॉफिट होगा, ये 2000 रुपये मिलेंगे तभी एंट्री आएगा, पर अभी फ़िलहाल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा। और इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लिखो तो काफ़ी अच्छा है, अगर खाली इंटरेस्ट लिखो तो भी चलेगा, ये 2000 क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। अभी देखो एडवर्टाइजमेंट का कितना बोल रहे थे यहाँ पर, देखो 9 मंथ का एडवर्टाइजमेंट कितना है 4500, मतलब 3 महीने का एडवर्टाइजमेंट पे करना बाकी है, क्लियर है, पे करना बाकी है तो उसको क्या बोलते हैं आउटस्टैंडिंग, और आउटस्टैंडिंग क्या होता है ऐड होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा आउटस्टैंडिंग में लिखो कितने महीने का बाकी है, 3 मंथ का क्या है बाकी है, क्लियर। आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट कितने महीने का बाकी है, 3 महीने का बाकी है। अगर सिंपल सी यहाँ पर आपको करके बताऊँ
तो हमें देखो 9 मंथ का एडवर्टाइजमेंट कितना दिया था, 4500 दिया है, राइट। अभी 3 महीने का हमें फाइंड करना है, क्लियर। 3 महीने का आउटस्टैंडिंग तो कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर मिल जाएगा। 9 मंथ का कितना दिया है 4500, तो 3 महीने का कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर मिल जाएगा। तो इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, 3 मल्टीप्लाई बाय कितना होगा 4500 डिवाइड बाई कितना करूँ 9। अभी 9 5 का कितना होता है 45, ये 500 आ गया। 5 3 का कितना होगा 1500 आ गया, मतलब कितना एडवर्टाइजमेंट का ऐड करना बाकी है, 1500 ऐड करना बाकी है। जैसा और एक बार आपको मैं अगर बता रहा हूँ, तो देखो 9 मंथ का इतना, तो 3 महीने का कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जिसके अपॉन में क्वेश्चन मार्क है वो कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में जाएगा। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 4500 अपॉन में कितना रहेगा 9, अगर 9 5 45 तो 5 और 2 0 ऊपर 4000, मतलब ये 500 मल्टीप्लाई बाई 3 करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1500 आ जाएगा। तो यहाँ पर ऐड आउटस्टैंडिंग कितना लिखूँ मैं, 1500 और कितने महीने का, ये 3 महीने का, तो ऐड करूँगा तो आउटर में कितना आ जाएगा 6000 आ जाएगा, क्लियर है। 4500 प्लस 6000 और आउटस्टैंडिंग मतलब पे करना बाकी है, तो अपने लिए क्या हुआ लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी साइड पे आ जाएगा आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट। आउटस्टैंडिंग क्या लिखूँ मैं यहाँ पर, एडवर्टाइजमेंट लिखूँ, क्लियर है। एडवर्टाइजमेंट मैं क्या करूँ लिखूँ, और चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो कितने महीने का बाकी है, 3 महीने का बाकी है, तो कितना आया था 1500 रुपीज़ आ गया था, क्लियर है। वेरी वेरी सिंपल है। अभी सारा सब हमने कर दिया, बारी आई टैली की, तो चलो हम टैली भी स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड, अभी हम टैली स्टार्ट कर गए। टैली स्टार्ट करते समय आपको सबसे पहले हाथ में क्या रहना चाहिए, पेंसिल रहना चाहिए। ऑलवेज वेरी फर्स्ट क्या करो, आप डेबिट साइड का टोटल करो, मतलब ये जो आउटर वाला कॉलम है अगर इसका सारे का आप टोटल करोगे तो आपको आंसर आएगा 2,21,000 आपको आंसर आ जाएगा। सेम एज अगर क्रेडिट साइड में, तो यहाँ पर 1 2 3 ही चीज़ दी, अगर तीनों का टोटल करोगे तो आपको आंसर आएगा 3,30,500 टोटल आएगा। अभी तुम मुझे बताओ 2,21,000 ज़्यादा है 3,30,000 ज़्यादा है, ऑफकोर्स 3,30,000 ज़्यादा है। तो यहाँ पर एंड में मतलब थोड़ा 5 से 6 लाइन आप छोड़ दो तो भी चलेगा, यहाँ पर कितना आएगा 3,30,500 रुपीज़ आ जाएगा। सेम एज यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 3,30,500 रुपीज़ आ जाएगा। अभी माइनस कितना करना है, ये अगर 2,21,000 को माइनस करो, मतलब 3,30,500 माइनस 2,21,000 अगर माइनस करेंगे तो आपको आंसर आएगा 1,09,500 रुपीज़ आ जाएगा, क्लियर है। और देखो मैंने बताया था ये डेबिट साइड मतलब अपना क्या होता है इनकम, मतलब सॉरी क्रेडिट साइड अपना इनकम होता है, डेबिट साइड एक्सपेंस, मतलब इनकम ज़्यादा है। देखो ना इनकम 3,30,000 और अपना एक्सपेंडिचर 2,21,000, तो ऑफकोर्स हमें क्या होगा प्रॉफिट। और ट्रेडिंग अकाउंट में क्या नाम देते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट नाम दिया जाता है, तो इसको क्या बोलेंगे ग्रॉस। फाइंड कर रहे तो क्या आता है कैरी डाउन आता है, यहाँ पर आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन आएगा। आप कैरी डाउन नीचे वाली लाइन में लिखा, मैं तो आपको जस्ट बताने के लिए लिखा, ग्रॉस प्रॉफिट क्या आ जाएगा कैरी डाउन आ जाएगा। आप सीडी नीचे वाली लाइन में, आउटर में ऐड मत कर देना इनर में, तो ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन आ जाएगा। ये कहाँ आया डेबिट में, तो कहाँ जाएगा क्रेडिट में। ऑलवेज देखो ट्रांसफर क्या होता है, क्रॉस में क्या करते हैं हम ट्रांसफर, मतलब डेबिट में आएगा तो क्रेडिट में, अगर क्रेडिट आएगा तो कहाँ जाएगा डेबिट में आ जाएगा, मतलब ये कहाँ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कहाँ जाएगा क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, मतलब डेबिट में कहाँ जाएगा क्रेडिट साइड पे आएगा। और वहाँ पर देखो हमने ऊपर एक लाइन छोड़ के ही रखी है उसके लिए, तो यहाँ पर क्रेडिट में आएगा तो बाय क्या लिखेगा ग्रॉस, यहाँ पर आ जाएगा प्रॉफिट, यहाँ पर कैरीड डाउन, तो यहाँ पर क्या रहेगा ब्रॉड डाउन रहेगा, कितना रहेगा 1,09,500 रुपीज़ रहेगा, क्लियर है। और देखो अभी वापस से आपको टोटल करना, अगर इसका टोटल मैं अगर करूँगा तो आपको मेरे को आंसर है 1,13,300 रुपीज़ आ जाएगा, क्लियर। इसका टोटल करूँगा तो 1,13,300, और इसको पेंसिल से ही करना है हमेशा टोटल। अभी तुम बोलोगे सर इसको रफ करना, जी नहीं, एग्जामिनर को भी पता चलना चाहिए बेटे ने कितने अच्छे से किया। अगर इसका टोटल आप करोगे, ये सारे का अगर टोटल करोगे तो 24,679 आपको टोटल आ जाएगा। अभी एक बात बताओ कहाँ 24 और कहाँ 1,00,000, 1,00,000 ही क्या है अपने लिए ज़्यादा। तो एंड में यहाँ पर एंड में आप कितना लिखोगे 1,00,000 रुपये, मतलब 1,13,300 यहाँ पर भी आ जाएगा, 1,13,300 रुपीज़ आ जाएगा, क्लियर है। अभी 1,13,300 माइनस कितना करना है मुझे, ये 24,679 अगर माइनस करूँगा तो 88,000 मुझे 621 आपको आंसर आएगा, कितना आएगा 88,621। और इसको नाम क्या दे, देखो मैंने बताया था क्रेडिट मतलब इनकम साइड ज़्यादा है, एक्सपेंस है, इनकम 1,00,000 है और एक्सपेंस 24,000 ही है, तो मुझे क्या होगा ये प्रॉफिट होगा।
तो इसको नाम क्या देते हैं, नेट प्रॉफिट कैरी डाउन बोलते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा नेट प्रॉफिट क्या आ जाएगा, कैरी डाउन आ जाएगा। और इसको क्या करना है, दोनों पार्टनर में दे देना है। मतलब ये दोनों पार्टनर अपने पास कौन है, ये जो ट्रांसफ़र क्या हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँ कौन से, यहाँ पर नीचे कहाँ जाएगा अपने पास, दो पार्टनर, एक तो पार्टनर कौन है मेरे पास, दया, और दूसरा कौन है, करिश्मा। तो यहाँ पर आ जाएगा दया कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर मैं नीचे क्या लिखूँ, दया कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर आ जाएगा दया कैपिटल अकाउंट। और एक लाइन छोड़ने के बाद, अभी एक लाइन किसके लिए छोड़ना है मैं आपको एक मिनट बताता हूँ, कश्मा कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। क्लियर, यहाँ पर आ जाएगा कश्मा कैपिटल अकाउंट। अगर सम में अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर शेयरिंग रेशो कितना आया था, 1:1, मतलब कितना आया था, 1:2 आ गया था। तो इसको रेशो क्या रहेगा, 88,621 मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो 88,621 मल्टीप्लाई बाय 1/2, सेम एज देखो मेरे पास यहाँ पर कैलसी है, 88,621 डिवाइड बाय मुझे कितना करना है, 2 करूँगा तो आंसर देखो कितना आ जाएगा, 44,310.5 आ जाएगा, 10। अगर आपकी मर्जी, आप चाहो किसी को बुक में क्या किया, एक को एक रुपया ज़्यादा दिया, पर मैं थोड़ा आपको और अच्छे से बताता हूँ इसका कितना आ जाएगा, 44,301. कितना लिखूँ, 5। यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 44,310. कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। मतलब ये कितना आया, मतलब मैंने बताया था ये दया का कितना है, 44,310.50, 44,310.50। मतलब शेयरिंग, मतलब दोनों में आधा आधा डिवाइड। ये कहाँ आया डेबिट में, तो मैंने बताया क्रेडिट में। ये भी कहाँ आया डेबिट में, तो कहाँ जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाय नेट प्रॉफिट क्या आ जाएगा, ब्रॉड डाउन आ जाएगा। यहाँ पर नेट प्रॉफिट क्या रहेगा, ब्रॉड डाउन। अगर यहाँ पर फाइन करते हैं तो क्या लिखते हैं, कैरी डाउन ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या आ जाएगा, ब्रॉड डाउन आ जाएगा। कितना आएगा, 44,310.5। तो यहाँ पर भी कितना लिखो, 44,310. कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अभी सेम क्या करना है, अगर इसका भी आप करोगे तो मैं देखो क्या कर रहा हूँ, अभी इसका भी आप करोगे तो यही साइड ज़्यादा है। यहाँ पर तो एक ही साइड में कितना दिया है मुझे, 1,000 rupees दिया गया। तो इसका अगर टोटल मैं करूँगा तो ये 60 कितना हो जाएगा, 2,04,000 हो जाएगा, मे बी 2,04,310.5 आ जाएगा, राइट। और इसका भी अगर करेगा तो 1,64,310. कितना आ जाएगा, 5। सेम ये टोटल दोनों साइड लिख दो, 2,04,310.5। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1,64,310.5। अभी यहाँ पर तो कुछ नहीं है तो सेम यही टोटल कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। मतलब कितना लिखूँ, 1,64,310.5 आ जाएगा। अभी देखो इसमें से कितना माइनस करना है, ड्राइंग कितना है, 1,000, वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। मतलब डेबिट साइड माइनस क्रेडिट साइड, तो ये एक, अरे 4 में से 1,000 क्या कितना बचेगा, 2,03,310. कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब तुम बोलोगे सर पॉइंट क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि अच्छा लगता है पॉइंट लिखो तो एग्जामिनर भी काफ़ी इंप्रेस होगा। नहीं बच्चे ने एक एक, मतलब जो आठा ना एक रुपया है वो भी दोनों में क्या किया, बराबर से बांटा। और इसको देखो बैलेंस ब्रॉड डाउन, तो यहाँ पर क्या रहेगा, 2 बैलेंस क्या रहेगा मेरे लिए, कैरीड डाउन रहेगा। ये बैलेंस ब्रॉड डाउन तो एक ऑलवेज फाइन करते समय क्या आ जाएगा, कैरीड डाउन आ जाएगा। कितना आएगा, 2,03,310. देखो सेम आ जाएगा, यही कहाँ जाएगा, मैंने बताया था डेबिट में, तो कहाँ जाएगा, क्रेडिट में। और लाइब देखो असेट्स ऑलवेज क्या होता है, डेबिट साइड लाइबिलिटी ऑलवेज, तो ये कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी साइड पे जाएगा। क्यों, क्योंकि अब तुम बोलोगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि ये देखो उल्टा लिख रहे इसके लिए। तो यहाँ पर आ जाएगा वेरी फर्स्ट कैपिटल अकाउंट आ जाएगा, यहाँ पर मैं कैपिटल अकाउंट लिखूँ। अभी पहला किसका है, दया, तो यहाँ पर एक डैश करके किसका लिखूँ, दया, और उसके बाजू में एक और डैश करके किसका लिखूँ, कश्मा का नाम में लिखूँ। और दया का कितना था मेरे लिए, 2,03,310.5। सेम एज कस्मा का कितना था, 1,64,310.5 आ जाएगा। अभी इसको ही तुम्हें ऐड करना है, जस्ट एज अ कैलसी में आपको मैं ऐड करके बताऊँ। तो यहाँ पर देखो कि ये मतलब हाथ से भी तुम कर सकते हो, 1,03,310.5 प्लस 1,64,310.5 अगर करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 36, मतलब 3,67,621 अपना आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आउटर में कितना आएगा, 3,67,621 प्लस कितना करना है, ये मुझे प्लस कितना करना है, 14,500 करना है, प्लस कितना करना है, 98,000 करना है, प्लस 7,000 प्लस 1,500 करना है।
तो करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 48। मतलब देखो आपको क्या करना है, अभी एंड में मेरे पास एक ही लाइन बचा है, आपके बुक में भी एक ही लाइन बचा रहेगा, काफ़ी सारे स्टूडेंट का तो यहाँ पर लाइन भी नहीं बचा रहे, कितना आंसर आएगा 48, मतलब 4,82,321 करेंगे। अभी सेम एज इसका करके देखते, ये कितना था 25,000 प्लस कितना है 1,32,715 प्लस कितना करना है इसका 68,000 प्लस कितना आ जाएगा 71,250 प्लस कितना है ये 12,000 प्लस कितना है ये 22,000 प्लस कितना है ये मेरे लिए 40,000 प्लस कितना है ये 1,11,1356 करेंगे तो आंसर देखो कितना है 2,82,321 आया। तो मतलब अपना देखो सेम दोनों साइड का टोटल क्या आ गया, राइट आया। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखा सकूँ तो अपना दोनों साइड का टोटल कितना आया 4,82,321। अगर देखोगे अब यहाँ पर भी आपको दिखता रहेगा 4,82,321 है। एंड में मैं आपको इसका पिक भी प्रोवाइड करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, मेरी थोड़ी सी भी मेहनत आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, वीडियो को सारे फ्रेंड में शेयर करना। थैंक यू स्टूडेंट।